आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली में जंतर मंतर पर चार दिनों से देश के पहलवान धरने पर बैठे हैं। गुरुवार को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहली बार पहलवानों के धरने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनके साथ किसी ने बात की, मैं 12 घंटे उनके साथ बैठा, उनकी बात सुनी, कमेटी बनाई, हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। इनके कहने पर बबीता फोगाट को कमेटी में शामिल किया गया। हर किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी थाने में कोई भी FIR दर्ज करवा सकता है। साथ ही पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मोदी सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही है। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है, जिसके साथ हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।